मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हिंदी सिनेमा का ब्लॉकबस्टर फिल्म है। यह राज और सिमरन की बहुत प्यारी लव स्टोरी है। आज भी यह फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है और दर्शक इसे पसंद करते हैं। इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान किंग और रोमांस हो गए, तो वहीं इसी फिल्म के बाद शाहरुख और काजल को जोड़ी को खूब पसंद किया जाने लगा। यह जोड़ी आज भी दर्शकों को खूब पसंद आती है। इस फिल्म को रिलीज हुआ करीब 28 साल हो गया है, लेकिन राज और सिमरन आज भी फैंस के बीच पहली पसंद है। वैलेंटाइन डे के खास वीक पर कुछ रोमांटिक फिल्मों को दोबारा रिलीज किया गया, जिसमें से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी शामिल है। इस फिल्म को 10 फरवरी को नेशनल मल्टीप्लेक्स जैसी पीवीआर, आईनॉक्स और साइनोप्लिक्स में फिर से रिलीज करने का फैसला किया गया। अब सिनेमाघरों में यह मूवी 16 फरवरी तक चलने वाली है। बड़े पर्दे पर एक बार फिर रिलीज करते ही ऑडियंस की 28 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई। महज 2 दिनों में ही इस मूवी ने करीब लाखों में कमाई कर ली है। शाहरुख खान की फिल्म DDLG को मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, लखनऊ, नोएडा, देहरादून, फरीदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई समेत भारत के करीब 37 शहरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म का दोबारा रिलीज होना शाहरुख और काजल के फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। इस फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन 2.5 लाख रुपए की कमाई की थी। 11 फरवरी 2023 को इसमें बड़ा मुनाफा देखा गया। अगले दिन फिल्म ने थिएटर्स में 10 लाख रुपए का बिजनेस किया। रिपोर्ट के अनुसार तीसरे दिन भी फिल्म का बिजनेस 10 लाख रुपए है, यानी कि 3 दिनों में इसकी कुल कमाई 22 लाख रुपए है। माना जा रहा है कि फिल्म 14 फरवरी 2023 को 20 लाख रुपए तक का बिजनेस कर सकती है। कुल मिलाकर इस वैलेंटाइन वीक में ये करीब 60 लाख रुपए तक की कमाई कर सकती है। बता दें कि यह फिल्म 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी। मुंबई के मराठा मंदिर में जल्द ही फिल्म के 10,000 दिन पूरे हो जाएंगे। रिलीज के बाद 9,978 दिन पूरे हो चुके हैं। पिछले साल नवंबर में शाहरुख खान के जन्मदिन के अवसर पर भी DDLG को लिमिटेड थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इस दिन फिल्म ने करीब 27 लाख रुपए की कमाई कर डाली थी। जी हाँ गाइस, बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर बाय। ऐसा ही न्यूज़ जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।